हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी सीखो में। आज हम सीखेंगे कैसे बचे हुए पुलाव या राइस की कटलेट बनती है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता। इसके लिए हम चाहिए एक बाउल पुलाव या राइस, एक उबला हुआ और कटा हुआ आलू, एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 2 चम्मच बेसन, 1 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन बारीक कटे हुए, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च 1/4 चम्मच। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। तो आइए बनाते हैं चावल या पुलाव के कटलेट। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। अब इस सब सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये इतने अच्छे से मिलेगा नहीं, तो आप इसे हाथ से मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसे मिलाने के लिए थोड़े से पानी की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा हम पानी यूज करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे ये एक डो के रूप में तैयार हो जाए। देखिए अभी एक डो के जैसा तैयार हो गया है। अब हम इसके बाउल बना लेंगे, छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। इनको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे डो की बॉल बना लेंगे और इन्हें थोड़ा पेटिकल शेप दे देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, चाहे राउंड बनाए चाहे पैटी शेप में बनाए। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम तेल लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखेंगे। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और हम इन्हें तलेंगे एक एक करके।
इन्हें आप मीडियम फ्लेम प्ले करें, कुछ ज्यादा से थोड़ी देर इन्हें पहले गोल्डन होने के नीचे से, उसके बाद इन्हें पलटे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फेंकना है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे सिक चुके हैं। गैस प्ले करके इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए, तैयार है हमारे बचे हुए चावल के कटले। आप इन्हें सॉस के साथ सर्व कीजिए या हरी चटनी के साथ, खाने वाले बस खाते रह जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।